हेलो एवरीवन, दिस इज ममता मोल। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर्स क्लास सिक्स का कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन क्लास सिक्स का। अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। 20 पेन दिया गया है, उसको शीला और संगीता के बीच में डिवाइड करना है 20 पेन को 3:2 के रेशियो में। तो टोटल पेन्स दिया गया है 20 पेन्स और रेशियो दिया गया है 3:2। तो टोटल रेशियो हो जाएगा 3+2=5। टोटल रेशियो हो जाएगा 5। अभी 20 पेंस को शीला और संगीता के बीच में 3:2 में डिवाइड करना है। तो टोटल रेशियो है 5 और शीला को देना है 3/5, 3/5 ऑफ, एंड संगीता को मिलेगा 2/5 ऑफ 20 पेंस। सो नंबर ऑफ पेंस शीला 3/3+2, टोटल रेशियो हो गया 3/5 मल्टीप्लाइड विथ 20 पेंस टोटल। तो 12 पेंस हो गया शीला का। और अभी नंबर ऑफ संगीता पेन, नंबर ऑफ पेंस ऑफ संगीता 2/5 मल्टीप्लाइड विथ 20, 5/4=20, 2/4=8। तो अभी 8 पेंस हो गया संगीता के पास। सो 20 - 12 = 8 और 20 - 8 = 12, 12 + 8 = 20। सो टोटल पेन यहाँ पे संगीता को मिला 8 पेन, शीला को मिला 12 पेंस। सो नंबर ऑफ पेंस फॉर शीला इज 12, नंबर ऑफ पेंस फॉर संगीता इज 8। तो 12 पेंस मिला शीला को और 8 पेंस मिला संगीता को। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। देयर आर 14 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इन ए क्लास। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज इज 14, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 12। सो रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स है 12, नंबर ऑफ बॉयज 14। तो 12 और 14 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकलना। 12 का प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 3 और 14 का हाइस्ट कॉमन ये प्राइम फैक्टर है 2 × 7। तो 2 2, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकला 2। तो 12 डिवीजन ऑफ 2, तो 2 को डिवाइड करने एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 6/7 ये हो गया रेशियो। सो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 6/7 और 6:7। लिख सकते हैं रेशियो। अभी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स MN ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। मैं यहाँ पे और रूलर कंपास यूज नहीं कर रही हूँ। अगर रूलर कंपास का यूज करने का देखना है तो वो मैं उसका प्लेलिस्ट बनाई हूँ, वो जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का लाइन सेगमेंट, वो ड्रॉ करने का लाइन सेगमेंट, एंगल, सर्कल, ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो प्लेलिस्ट भी मैं लिंक रखूँगी यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ MN
मेजरिंग 5.1 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देना लाइन, फिर यहाँ पे एम, फिर वो कंपास में यहाँ पे एक आर्क लेना 5.1 मेजर करके रूलर में, तो 5.1 सेंटीमीटर और यहाँ पे एम, दिस इज एम एन ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक रख दूंगी, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्लास 6 का भी अपलोड की हूँ उसका प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अपलोड हुआ है और कंपोजिट मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स विदाउट एनी यूनिट विथ एन एप्रोप्रिएट साइन। फर्स्ट बिट दिया गया है हेलीकॉप्टर, ए हेलीकॉप्टर 980 मीटर एबोव द सी लेवल, एबोव मीन्स पॉजिटिव और बिलो मीन्स नेगेटिव, सो 980 मीटर मीन प्लस 980 और विदाउट प्लस 980, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। सो हेलीकॉप्टर 980 मीटर एबोव द सी लेवल, दिस इज रिप्रेजेंटेड विथ पॉजिटिव साइन, दैट इज 980 पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट होगा, ये 980 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिट में है, ए लॉस ऑफ 550 रुपीज, लॉस मीन्स नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ 550 रुपीज, सो नेगेटिव 550 होगा इस माइनस। ए लॉस ऑफ 550 रुपीज मीन्स नेगेटिव ऑफ 550, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिट दिया गया है, ए कोल माइन लोकेटेड 900 मीटर बिलो द सी लेवल, बिलो मीन्स नेगेटिव, माइनस 900 होगा आंसर। ए कोल माइन लोकेटेड 900 मीटर बिलो द सी लेवल, दिस स्टेटमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड विथ माइनस 900, दिस इज ए नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर 32 पीपल ट्रेवलिंग ऑन ए बस आउट ऑफ विच 7 आर चिल्ड्रन एंड रेस्ट आर एडल्ट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 32 एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज गिवेन 7, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 7, नंबर ऑफ एडल्ट्स विल बी टोटल पीपल माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो टोटल पीपल दिया गया है 32 माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 7, 32 माइनस 7 इज 25। सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स, सो रेशियो होगा नंबर ऑफ एडल्ट से 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट से 25 है, नंबर ऑफ पीपल है 32, सो 25 डिवाइडेड बाय 32 ये होगा आंसर। सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल होगा 25 डिवाइडेड बाय 32, इसका तो कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसीलिए दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता तो इसको डिवाइड करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आता। यहाँ पे कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 25 डिवाइडेड बाय 32 दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज ग्रेटर 3:2 और 5:4, 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 4 में कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3:4 = 12 डिवाइडेड बाय उसका 2 मल्टीप्लाई विथ 4 ही देगी,
और इसका 5 2 10 8, तो 12 डिवाइड बाई 8 इज ग्रेटर नंबर 12, न्यूमरेटर 12 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 10, सो 12 ग्रेटर देन 10, सो 12 डिवाइडेड बाई 10, 12 डिवाइडेड बाई 8 इज ग्रेटर देन 10 डिवाइडेड बाई 8 होगा। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाई 4 होगा। ये भी एक मेथड है, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड में होगा, सेकंड मेथड होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसको इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम होगा 4, 2 और 4 का डेनोमिनेटर 2 एंड 4 का एलसीएम होगा 4, और 3 बाय 2 को इक्विवेलेंट रेशियो करेंगे। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे एलसीएम के साथ, तो यहाँ पे 2 है डेनोमिनेटर, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर के साथ, तो एलसीएम के साथ इक्वल होगा 4। तो 2 टेबल 2 में 2 2 जा 4, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 3 को भी मल्टीप्लाई होगा ये 2 के साथ, तो 3 2 जा 6, और फिर 5 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4 है और यहाँ निकला 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 ग्रेटर देन 5 हो रहा है और 6 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर, यहाँ पे जैसे 3 डिवाइड बाय 2 ग्रेटर निकला, तो व्हिच इज ग्रेटर मीन्स 3:2 इज ग्रेटर, सो 3:2 इज ग्रेटर देन 5:4, तो 3:2 इज ग्रेटर रेशियो। जब कभी भी रेशियो में कंपेयर करना है तो फर्स्ट मेथड को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और उसका डिवाइड करोगे डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर 12 और 10 निकला, तो 12 ग्रेटर देन 10 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 8 इज ग्रेटर देन 10 डिवाइडेड बाई 8 हुआ। और सेकेंड मेथड में होगा, उसका पहले एलसीएम निकाल के फिर उसका इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करना है, वो जो रेशियो दिया होगा, फिर इक्विवेलेंट रेशियो में दोनों में कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, दोनों का डेनोमिनेटर तो इक्वल होगा और उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करना, जहाँ पे न्यूमरेटर जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर होगा दैट इज द ग्रेटर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, आर द फॉलोइंग रेशियो इज प्रोपोर्शनल, 15:200 और 5:30। प्रोपोर्शनल मीन्स फोर नंबर्स आर प्रोपोर्शनल इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी सी इज टू डी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होना चाहिए, दैट इज प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 200, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 15 को डिवाइड करेंगे हाइस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 5, 15 और 200 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5, सो 200 डिवाइडेड बाय 5, तो 340, और यहाँ पे निकल रहा है 5 डिवाइडेड बाय 30 है, ये 5 डिवाइडेड बाय 30, तो दोनों दिज आर नॉट इक्वल, 3 डिवाइडेड बाय 40 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 30। तो दीज रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल, नो, आर द फॉलोइंग रेशियोज प्रोपोर्शनल, नो होगा आंसर। दीज रेशियोज 15:200 एंड 5:30 आर नॉट प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेशियो ऑफ टीचर्स टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 1:8। If there are 520 students in the school, find the number of teachers. So for 8 students, there is only one teacher. For 8 students, there is one teacher. So for one student, ke liye kitna hoga? 1 divided by 8.
फिर 520 स्टूडेंट्स और 520 स्टूडेंट्स देयर विल बी 500 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड विद 520 तो इसका वैल्यू होगा 8 6 48 4 8 5 48 तो 65 टीचर 65 टीचर और 65 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ यहाँ पे जो 65 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो 8 5 जा 40 4 8 6 जा 48 प्लस 4 520 स्टूडेंट्स भी निकल रहा है तो दिस इज करेक्ट तो 65 टीचर्स होगा सो नंबर ऑफ टीचर्स विल बी 65 सो द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल इज 65 एंड नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज 520 स्टूडेंट्स देयर आर 65 टीचर्स इन द स्कूल क्वेश्चन नंबर 19 है इफ सुजन इज वाई इयर्स एट प्रेजेंट देन सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट बिट में है सुजन्स ग्रैंडफादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज सुजन हाउ ओल्ड इज हर ग्रैंडफादर सुजन इज वाई इयर्स ओल्ड एट प्रेजेंट एंड सुजन्स ग्रैंडफादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज सुजन हाउ ओल्ड इज हर ग्रैंडफादर सो 6 सुजन्स ग्रैंडफादर Age will be 6 times. 6 times means 6 multiplied with y. Sujan is 6 y years. So 6 times. Times means 6 times means 6 multiplied with age old age Sujan. Sujan year is y. So 6 multiplied with y is 6y. So 6y hoga answer. So her grandfather is 6y years old. Second bit mein hai, the age of her father is 5 years more than thrice. Sujan's age. Find her father's age. Sujan is y years at present. Age of her father is 5 years more than thrice of Sujan's. So Sujan's father's age will be Sujan's father's age will be 5 years more. 5 years more means 5 years more than thrice means 3 times 3 multiplied with Sujan's age. Sujan is y years. So 3y. So 5 plus 3y years age is Sujan's father's age. So Sujan's father's age is 5 plus 3y years. Question number 20 है construct an angle measuring 50 degree using a protractor and draw the bisector of the angle using ruler and compass. Perpendicular bisector कैसे draw करते हैं उसका मैं already playlist upload कर चुकी हूँ NCERT playlist भी check कर सकते हो practical geometry NCERT प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फिर ये क्या कंपोजिट मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और एक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स पूरा फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट चैप्टर का प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है एनसीईआरटी का भी हुआ है कंपोजिट मैथमेटिक्स भी हुआ है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का भी हुआ है मैथ्स का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट ये चेक कर लेना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजरिंग 50 डिग्री
प्रोट्रैक्टर में 50 डिग्री ऐसे ड्रॉ करना, 50 डिग्री मतलब यहाँ पे ही आ रहा है, 50 डिग्री हो गया। फिर यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर में हो गया 50 डिग्री। फिर ड्रॉ द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स उसका बाइसेक्टर करना, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे और यहाँ से एक बाइसेक्टर लेना। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास, ये हो जाएगा 50 डिग्री का बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री, तो बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री, 25 डिग्री ये होगा 25 डिग्री, टोटल का दिया था 50 डिग्री, ऐसे करके बाइसेक्ट करो, रूलर कंपास यूज करो। If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. And if you have any doubt, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you. If you like this video, then please click the like button and share this. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for getting notifications of future videos. If you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.